हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्न मनी जॉब्स। हां जी, आज आप की करने लगे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एमएस ऑफिस। जिंदे आप सारे टॉपिक आ चुके हैं, आज आप की करने लगे हैं इनदे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। हां जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय किने डेवलप कीता सी, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट केड़ी ईयर दे विच, इन 1980s। हां जी, मैं पेपर चेक कीती है, इदा दे क्वेश्चंस जरूर आए हुए ने एक अद्धे, तां प्लीज ध्यान करके जाना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ द एमएस ऑफिस। वो कहंदे बेसिक सॉफ्टवेयर इन दा केड़ा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएसएसएस, सारी बेसिक है जी। ठीक है जी, मतलब कहंदा ए है कि एक्चुअली दे विच दीज आर द बेसिक सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, लाइक अपन कोई भी अपन टाइप करना है, कुछ भी करना है काम, अपा सब पहले एमएस वर्ड यूज करते हैं। अपने को होर भी बहुत है, बट साड़ी एक्चुअली प्रायोरिटी की हुंदी है एमएस वर्ड नु यूज करने की। चलो, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये तो तुम्हें पता ही है कि ये की है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर है जी। नेक्स्ट आंदा है, ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू, जेड़ा वर्ड प्रोसेसर है नो डाउट ग्राफिक्स का काम भी करते हैं, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, बट जेड़ा बेस्ट काम है ना वो फॉर टाइपिंग हुंदा है, व्हाट एवर यू वांट टू टाइप। ठीक है, तुसी इत्थे की लिखोगे, फॉर टाइप्ड समथिंग एल्स, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, लाइक तुसी एक फॉर टाइप्ड पैराग्राफ ही लिख लो, पैराग्राफ, लेटर, वट एवर यू वॉन्ट। चलो लैटर लिख लो, लैटर लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि जेडी चीजा अपन यूज च आदि ने वो लिख लो, फॉर टाइप लैटर, टाइप लिए कुछ भी हो सकता, थोड़ा ऑप्शन इदा दिखाई हो गई। चलो हां जी, नेक्स्ट है, डैश इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। जे तुसी एक्सटेंशन नहीं उथे मैंशन करते, बाय डिफॉल्ट के एक्सटेंशन लेंदा है, डी ओ सी। मैं तुहानू अगे भी यह चीज दसी सी, बाय डिफॉल्ट केड़ी लैंदा है, डी ओ सी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बार ऑफ द एमएस वर्ड इज, जो भी असि एमएस वर्ड नू ओपन करते हैं, साडा पहला बार केड़ा खुलदा है, दैट इज द, पहला बार केड़ा हुंदा है, दैट इज द टाइटल बार। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आंदा है, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट That has been created means, जो आप किसी चीज एडिट करना है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट एडिट करना है, चेंजेस करने है, उनका मतलब की है, सेविंग कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे हो, या करेक्ट कर रहे हो, तुसी उन्हें करेक्ट कर रहे होंगे हो। क्लियर है जी, येस और नो। देखो, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर किंदे अंडर आंदियां ने, दैट इज, मतलब अंडर किंदे आंदियां, दैट डजंट मैटर, बट ए चीज की है, पेज ओरियंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है जी, पेज दी सानू ओरिएंटेशन दसदी है कि साडा पेज जेडी भी चीज नू प्रिंट करेगा या शो करेगा, दैट इज इन द पोर्ट्रेट फॉर्म और या लैंडस्केप फॉर्म। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। सब तो ज्यादा एडिट करन दे, मतलब चेंजेस करन वाले रूल्स किंदे अंडर अवेलेबल हुंदे, केड़े मेन्यू दे अंडर अवेलेबल हुंदे ने, दैट इज द एडिट मेन्यू। ठीक है जी। हां जी, मैं तुहानू एक चीज कहना चाहूंगी कि देखो, तुहानू थ्योरी तो काफी हद तक कंप्यूटर्स की कवर हो चुकी है। ठीक है, मैं तुहानू सुजेस्ट करूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक दिते गए नोट्स नू, इन्हां नू डाउनलोड करो, इन्हें विच मोर क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस करो कि तुहानू जिन्नी भी मैं थ्योरी करवाई उहदे विचों किन्नी चीज आंदी है। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट दैन यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तुसी मैनू डाउट आपदा कमेंट बॉक्स च पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चन, मैं तुहाडे क्वेश्चन का जरूर अप्लाई करूंगी। तुसी प्लीज हुण तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा, मतलब पेपर बस हुण डेट्स बड़ी जल्दी जल्दी आई जानियां ने। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आर दिस। देखो, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ, जो भी तुसी कोई डॉक्यूमेंट दे विच टेक्स्ट एंटर करना स्टार्ट करते हो तो तुहानू एंटर की हर लाइन तो बात करनी पैंदी है ना, येस और नो। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, सेव करने तुहाडे केड़े केड़े वेज ने,
एक शॉर्टकट की, एक मैं तुम दसिया से क्लिप बोर्ड के उत्ते तुहाडे कोल तीन कमांड्स हुंदी है, दैट इज द सेविंग दी भी हुंदी है उपर हुंदी है ना, ठीक है। हां जी उत्थे हुंदी है साडे कोल, उत्थे दा क्लिप बोर्ड ते दा अपनी हुंदी है उस चीज दी, कट कॉपी और पेस्ट दी, क्लियर है जी। फिर एक अपने को सेव एज दी ऑप्शन है, एक आपां सेव दी ऑप्शन है, ठीक है जी। तीन वेज हुंदे ने आपां नूं कि किसी डॉक्यूमेंट नूं सेव करने लई, एक किसी पेपर च को आया होया क्वेश्चन है। वेयर हैडर अपीयर्स, हैडर दी आपां गल नहीं कीती सीगी उहदे विच, ठीक है। हैडर टॉप ते हुंदा और अगर हैडर दे नाल एक फुटर हुंदा, फुटर किथे अपीयर हुंदा, दैट इज द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, क्लियर है। हैडर ते हैडर जी एंड फुटर जेडी कमांड है ना वो काम की करते, लाइक आप मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे दिंदी हां, आप पेजेस नूं यूज करते अपनी कॉपी दे विच, उपर डेट वगैरह मेंशन हुंदी है, दैट इज कॉल्ड द हैडर, ठीक है। नीचे टीचर दे सिग्नेचर वगैरह दे कॉलम मेंशन हुंदा, दैट इज द फुटर। मतलब इस टाइप दी चीजां आपां डॉक्यूमेंट दे विच भी अप्लाई कर सकते हैं। हां जी ओ वालियां मैं उत्थे ऑप्शंस नहीं दित्तियां, शॉर्टकट कीज जिन्नियां भी करवाईयां, दीज आर वेरी इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज फॉर ऑल द थिंग्स। तुहानूं एटलीस्ट किते दो या तीन क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्टकट कीज आनगियां, सो इस करके इस चीज नूं ध्यान च रखना है कि तुसीं इन्हां चीजां नूं चंगे तरीके नाल लर्न करके जाना है। हुण देखो टू इनक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट की, लाइन्स लाइन्स विच स्पेस करना चाहते हो तो केड़ी शॉर्टकट की यूज हुंदी है, कंट्रोल प्लस फाइव, क्लियर है जी। असि आपां अपनी लाइन्स लाइन्स लिखी होनी है डॉक्यूमेंट्स दे विच, उहना विच स्पेस पाना चाहते हैं, स्पेस इनक्रीज करना चाहते हैं, तो साडी कमांड यूज हुंदी है कंट्रोल प्लस फाइव। नेक्स्ट है डैश इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय द यूजर इन द वर्ड, सेंटरिंग द टेक्स्ट, ओके सेंटरिंग द टेक्स्ट सुन लो, सेंटर द टेक्स्ट जोड़ा भी असि टेक्स्ट एंटर किया उन्हें सेंटर ते करना चाहते हैं, उनके लिए साडे को की कमांड हुंदी है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, क्लियर है जी। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ, डिफॉल्ट अलाइनमेंट की हुंदी है पैराग्राफ दे विच एमएस वर्ड दे विच, दैट इज द लेफ्ट अलाइंड। कोई भी चीज नूं असीं अलाइनमेंट करनी है तो डिफॉल्ट जिहड़ी हुंदी है लेफ्ट हुंदी है। नेक्स्ट आंदा साडे कोल ऑटो टेक्स्ट, हां जी ए भी मैं तुहानूं करवाया सीगा ना ऑटो टेक्स्ट दा। देखो ऑटो टेक्स्ट की करदी है, कैन बी यूज टू इनसर्ट, केड़ी केड़ी चीज नूं इनसर्ट करदी है टेक्स्ट और ग्राफिक्स बोथ। ऑटो टेक्स्ट साडी की हेल्प करदी है, दिस इज द नेम ऑफ द कमांड, कैन बी यूज टू इनसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट्स। हां जी क्लियर हो गई चीजां, एनीबडी हैव एनी डाउट, क्लियर है। कम टू द मतलब मैं तुहानूं केड़े केड़े क्वेश्चंस इत्थे डिस्कस करदी हां उस टाइप दे आने वाले या जेड़ी चीज अपनी थ्योरी दे विच डिस्कस नहीं हुई, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द थ्योरी पार्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू मतलब डू द प्रैक्टिस, अगर तुसी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप सारा कुछ कवर कर चुके हुए हैं आप द थ्योरी पार्ट दे विच, तुसी थ्योरी वाले मेरे लेक्चर सुनो और आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंडर तुहाडे कोल कंप्यूटर की भी सारिया चीजा की अवेलेबिलिटी हैगी है, लिंक्स अवेलेबल है ई बुक्स दियां, उन्हां नूं डाउनलोड करो और उन्हां विच क्वेश्चंस नूं सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है जी। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, यस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द एमएस एक्सेल। हां जी एमएस एक्सेल इज यूज फॉर कादे लई यूज हुंदी है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस दे लई, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस दे लई, क्लियर है जी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू लाइकली यू टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट, बिलिंग अकाउंट लई केड़ा सॉफ्टवेयर यूज हुंदा है, मैं तुहानूं एक चीज दस देवां, इत्थे ऑप्शंस तुहानूं रिलेटेड टू जरूरी नहीं है, साडे कोल स्प्रेडशीट तो चलो हुंदी हुंदी है ना, वैसे भी बिलिंग अकाउंट लई होर भी सॉफ्टवेयर्स हुंदे ने, ठीक है। अगर वो आ जांदे ने तो तुसीं उहदे ते क्लिक करना है, टिक करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ए वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तुहानूं पता है एक वर्कशीट
जेडी एक्सेल दी वर्कशीट हुंदी है ओ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स हुंदी है, इह तुहानू सब नू पता है, पर तुहानू रोज ऐ पता है कि रोज ऐ हुंदियां ने कॉलम्स ऐ हुंदे ने, मतलब कॉलम्स वर्टिकली रोज होरिजोंटली, की लिखोगे कॉलम्स रन वर्टिकली एंड रोज रन होरिजोंटली, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल नू स्टार्ट करने लई केड़ी फाइल रिस्पॉन्सिबल है, हां जी केड़ी होएगी, एक्सेल डॉट ई एक्स ई ना, नो डाउट एवरीबडी नोज की वॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल, दैट इज द डॉट ई एक्स ई, ठीक है, बट देखो एमएस डॉट एक्सेल नहीं, एमएस डॉट ई एक्स ई माइक्रोसॉफ्ट ई एक्स ई गलत है, एक्सेल डॉट कॉम गलत है, एक्सेल डॉट ई एक्स ई, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो दैट इज द, मतलब यू कैन से इट इज द सिस्टम फाइल, ठीक है, दैट हेल्प्स टू ऑपरेट द एमएस एक्सेल, हां जी। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपीयर्स, जेडी चीजा भी असि वर्कशीट विच टाइप करते रहने हैं ना वो किन्ने किन्ने विच शो हुंदी है, एक तो एक्टिव सेल दे विच शो हुंदी है, नाल दी नाल फॉर्मूला बार ते भी शो हुंदी है, कल मैं तुम्हें कहा जो फॉर्मूला से टाइप करते हैं, बट नॉट ओनली फॉर्मूला, इवन दैन की यू कैन मतलब जो टेक्स्ट तुसी लिखते जाते हो ना एक्टिव सेल दे विच ओदा टाइप हुंदा जांदा, नाल दा फॉर्मूला बार ते भी शो हुंदा जांदा कि तुसी की टाइप कर रहे हो, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन आर एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन बी शेयर्ड इन टू वर्क डॉक्यूमेंट बाय, अगर असि एक्सेल दी वर्कशीट जो डाटा है वो सारा शेयर करना चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट ना, किदा करांगे इनसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड, पहला असि इनसर्ट करांगे एक्सेल फाइल इनटू वर्ड, कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट, लिंक एक्सेल डाटा इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ अबव, सारा कुछ ही करना पड़ेगा। अगर तुसी एक्सेल दी किसी शीट नू वर्ड डॉक्यूमेंट जाके शेयर करना चाहते हो तो तुहानू आ स्टेप्स फॉलो करने ही पैणगे, then you can share that worksheet into the word document, otherwise not. Next है which one is an example of the spreadsheet package, मैं तुहानू last question से भी यही गल कर रही थी कि तुहानू इदां दा भी कुछ आ सकता है, तो केड़ा स्नोबॉल है, स्नोबॉल इज ऑल्सो ए स्प्रेडशीट पैकेज, इन दे विच भी असीं ओही काम करदे आ जेड़ा असीं एमएस एक्सेल दे विच करदे आ। नेक्स्ट है दी एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल इज एक्स डॉट XLSX, ठीक है जी। एक्सल दी मतलब तुसी कह सकते हो एक्सटेंशन की एक्चुअली दे विच, जिन दे विच जाके साड़ी फाइल सेव हुंदी ते केड़ी साड़ी एक्सटेंशन लगती है डॉट XLSX, दिस इज द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार, केड़े टूल बार से अलाइनमेंट्स बटन अपने हुंदे ने, दैट इज द फॉर्मेटिंग टूल बार, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स इन थ्योरी पार्ट, मैं तुम थ्योरी पार्ट के सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट है व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब सिंपल स्प्रेडशीट की गल की गई है, ठीक है जी, की कंसिस्ट करता है, रो कॉलम सेल्स या ऑल ऑफ दीज, सारी चीजा ही कंटेन करता है। नेक्स्ट है दी बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन टू विच यू कैन डाटा, यू कैन एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड सेल, ठीक है कि जेड़ा बेसिक यूनिट वर्कशीट दे विच हुंदा जिंदे विच असीं डाटा एंटर करदे आ ओनू की कहंदे आ, ओनू कहंदे आ सेल, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, यस नेक्स्ट क्वेश्चंस आर व्हाट फंक्शन डिस्प्लेस रोज डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रो, हां जी जे असीं अपने डाटे नू चेंज करना चाहने आ, असीं आपदे डाटा जेड़ा रो है ओनू कॉलम्स च कन्वर्ट करना चाहने आ, कॉलम्स नू रोज़ दे विच कन्वर्ट करना चाहते थे, वो केड़ी केड़ा फंक्शन यूज होता है, दैट इज अ ट्रांसपोज फंक्शंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है दी लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, की कहते हैं उन्होंने, सेल लोकेशन, सेल पोजिशन, सेल एड्रेस या सेल कोऑर्डिनेट्स, ओनू असीं कहंदे आ सेल एड्रेस, ठीक है जी। जेडे लैटर और नंबर एक प्रोपर इंटरसेक्ट करते हैं, तुहानू पता ही है रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने की लिखते हैं, असं लैटर्स और नंबर ही लिखते हैं, बल उन्होंने उही कही है, बस थोड़ा जा घुमा के क्या, इस करके मैं इस चीज नूं तुहानूं एक्सप्लेन कर दिता, ठीक है। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू कैलकुलेट टोटल करैक्टर्स इन अ सैल, एक सैल दे विच टोटल किन्ने करैक्टर्स है, वह केड़ी कमांड यूज हुंदी है, एलईएन, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन एक्सेल एन एक्टिव सैल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय,
एक एक्टिव सेल किदा रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ए फोर। क्लियर है जी। एक्टिव सैल जो मतलब कह लो कि एक्टिव होया हुंदा है, उनका फॉर्मूले बार दे विच किस हिसाब दा लांदा एड्रेस, दैट इज द ए फोर। नेक्स्ट है एक चार्ट प्लेस्ड इन वर्कशीट इज कोल्ड, जेडे चार्ट कल मैं तुहानू करवाए सी टाइप्स दसिया सीगिया वर्कशीट दे विच हुंदे ने, उन्हां नू की कहंदे ने, उन्हां नू कहंदे आ इन्हां इथे उन्होंने ना दिती नहीं होगी ऑप्शन ही दिती हुई सी, उन्होंने एम्बेडेड चार्ट्स कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाइड द इंटायर रो, इंटायर रो नू हाइड करने लिए केड़ी शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 9। ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट द एमएस एक्सेल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैं तुम ऑलरेडी दस चुकी हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन द पार्ट ऑफ द थ्योरी। ठीक है। विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विल कम एंड व्हाट टाइप द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल कम, है ना, कि जिहड़ी चीजा नहीं कवर हुई थ्योरी दे विच ओह चीजा मैं तुहानू क्वेश्चंस दे विच कवर करवा दित्ती हैं, एंड जिहड़ी चीजा तुहानू उस थ्योरी दे पार्ट विच किस हिसाब दे आ सकदे ने ओह चीजा भी तुहानू कवर करवा दित्ती हैं। क्लियर है जी। हां जी, मैं तुहानू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਅਗਸਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਆਫ ਅਗਸਤ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ ਦੇ ਨੋਟਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੇਅਰ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਓ। Yes, our next questions are based on the MS PowerPoint. Dash software is used to create presentation, that is the MS PowerPoint. ठीक है। Dash is the extension of PowerPoint .pptx. Clear है। You can add any picture in your document from which menu? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਸਰਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸਰਟ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਿਡ ਟੂ ਅ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਆਊਟ ਫਾਰ ਯੂਜ ਵਿਦ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਆਊਟਸ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਆਊਟਸ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ 24। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 24 ਲੇਆਊਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਐਡ ਹੈਡਰ ਔਰ ਫੁੱਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ ਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਰ ਤੇ ਫੁੱਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਟਲ ਮਾਸਟਰ, ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ, ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਟਾਈਟਲ ਮਾਸਟਰ, ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ, ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜ਼ੂਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ ਐਮਐਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜ਼ੂਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ 400। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हां जी, डैश इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर साडे को केड़ा हुंदा है? एमएस असेस. ठीक है, ईमेल क्लाइंट इज द फीचर ऑफ एमएस आउटलुक. क्लियर है जी? एमएस असेस विच जिन्हां दा नूं करवाया सीगा, एमएस आउटलुक विच जिन्हां दा नूं करवाया सी, ए तां इस तों बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यही चीजा ही आनगियां. नेक्स्ट इज डैश की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू द स्लाइड शो, दैट इज द F5 की. ओ सॉरी, हां जी बिल्कुल ठीक है, F5 की यूज हुंदी है. ठीक है, कीबोर्ड ते जदों असीं व्यू करने स्लाइड शो. क्लियर है जी? इथे अपने सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हुंदे ने. मतलब मैं तुहानूं जिहड़ी चीजा तुहानूं मैं बार बार कह रही, जिहड़ी चीजा तुहानूं थ्योरी दे विच नहीं कवर करवाईया होईया, कुछ चीजा रह जांदियां ने, उह मैं तुहानूं क्वेश्चन आंसर विच कवर करवा दित्तियां. इस तों इलावा मैं तुहानूं कह रही हां कि तुसीं जिहड़ी वी आपदी प्रैक्टिस कर सकदे हो कंप्यूटर से नोट्स डाउनलोड करके. ठीक है, मैं तुहानूं थ्योरी दे विच ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कीती गई है, तां ही नहीं मैं उहले क्वेश्चंस करवांदी जिहड़ी चीजा मैं थ्योरी विच तुहानूं पढ़ा चुकी हुई हां, इसे लिए नहीं मैं तुहानूं इहदे विच करवांदी क्वेश्चंस विच. ठीक है जी, चलो बाकी आपां कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करांगे कंप्यूटर्स दा. कल मिलदे हां, और मैं होप करदी हां तुहानूं मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तां प्लीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो और लाइक करो. थैंक यू.